दोस्तों कैसे हैं आप लोग। यह है सैमसंग का 32 इंच का टीवी, जो कि मॉडल नंबर भी आप यहां से देख सकते हो। तो ये सैमसंग का टीवी है, ये आया है नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। तो क्या प्रॉब्लम है इसी के बारे में जानेंगे। चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और आज जानेंगे इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये फॉल्ट बहुत इजीली फॉल्ट है, जिसे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। अगर आप रिपेयरमैन हैं या सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप लास्ट तक वीडियो को देखना। YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना। और Facebook के माध्यम से अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी जुड़ सके। तो चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आपको मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या क्या होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सप्लाई बोर्ड हो गई, टिकॉन हो गया एंड मदरबोर्ड हो गया। फुल एचडी का टीवी है दोस्तों, 32 इंच में फुल एचडी है, जिसमें टिकॉन लगती है। आप सैमसंग का ऐसा टीवी रिपेयर करते होगे तो आपको पता होगा। और आगे का पूरा प्रोसेस अभी जानेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ, यहाँ सेट हो गई मल्टीमीटर। और अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ये रहा मेरा प्लग, मैंने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से कर लेते हैं बोर्ड में कन्वर्ट। एक मिनट दोस्तों, स्क्रू नहीं कसा हुआ है, सप्लाई उड़ने की चांसेस बढ़ सकती है क्योंकि ये इधर से इधर आ गई है। तो मैं इसको पहले स्क्रू कस दूंगा इसके अंदर यहाँ से। ये गलती होती है तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी हमसे ही गलती हो जाती और ये सप्लाई उड़ जाता तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता और टाइम ज़्यादा वेस्ट होता मेरा। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्रू दो कस देता हूँ, ताकि ये हिले डुले ना। मैंने कस दिया है, अब हम यहाँ से इसको इस पर फिर से लगा देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टीवी में लाइट, सारे इंडिकेटर जल चुके हैं टिकॉन में। इसके मतलब है कि टिकॉन बोर्ड पूरा ओके है, डिस्प्ले चल रही होगी। और इसमें जो प्रॉब्लम अभी फेस हो रहा है वो बैक लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, देख सकते हो अंधेरे अंधेरे सी आ रही है। तो अब इसमें क्या है, बैक लाइट की प्रॉब्लम लग रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, बैकलाइट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकलाइट को वोल्टेज को चेक कर लेंगे, उसके आगे के मैं बताऊंगा कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता क्या है। इसमें बैकलाइट मैं बता दूं तो ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बैकलाइट टेस्टर से चेक कर लिया है। ये टेस्टर से मैंने चेक किया है, ऑल टू ऑल बैकलाइट इसका ओके है। मैं क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा आपके साथ, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा फॉल्ट को। तो आपने देखा ये टिकॉन बोर्ड ओके है, मदरबोर्ड ऑन हो रही है, इसमें अभी साउंड भी आ रहा था। मैं अभी बंद करके चालू कराऊंगा तो हल्का सा आपको साउंड सुनाई देगा स्पीकर से। मैं स्पीकर पे कर देता हूँ फ़ोन को, अब मैं लाइट देता हूँ यहाँ से, देखो आपको साउंड सुनाई देगी। तो आपको एक साउंड फेस हुआ होगा, जो कि आपका मदरबोर्ड ओके है, टीवी बिल्कुल ऑन हो रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं, हम यहाँ से इसका जो चार्जिंग है वो हटा लेते हैं। अब हम मदरबोर्ड को सप्लाई को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बैकलाइट में आपको देखने को सबसे ऊपर से ही दिख जाएगा। मैं अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो यहाँ देखते हो पूरा बर्नड हो चुका है, जो सप्लाई बोर्ड है यहाँ से पूरी बर्नड हो चुकी है। अब हम जो स्क्रू को इनविल्ड किए थे, खोले थे, अब उसको कसे थे, उसको फिर से खोल देते हैं यहाँ से। और आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो, ये ट्रांजिस्टर का कितना गंदा हो चुका है यहाँ पे, और जल चुका है पूरी प्रिंट। और यहाँ पे प्रिंट की अता पता नहीं चल रही है कि प्रिंट है कहाँ, ध्यान से देखो। अब हम मल्टीमीटर से इसका शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो अभी हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को हम शॉर्टिंग पे यहाँ पर देखो लगा दिए हैं और यहाँ सामने आपके रख रहे हैं। तो यहाँ पे अभी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा दोस्तों, देख सकते हो, बट इस दोनों लेग पे लगाते हैं तो आपको बजिंग का हल्का हल्का साउंड सुनाई दे रहा होगा, और ये शॉर्ट दिखा रहा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक मॉसफेट लगाएंगे, जो कि मॉसफेट जो ख़राब हो चुकी है ये वाली, इसी मॉसफेट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको बंद करके हॉट गन को लगा लेता हूँ, और ये मॉसफेट को हम अभी एक्सचेंज करने वाले हैं। तो हॉट गन यहाँ रख लेते हैं, हॉट गन यहाँ आ गई, पूरा ताम झाम दोस्तों फैला हुआ है, इसको सही करते हैं। इसके बाद हम इसमें प्लग में हॉट गन को इनविल्ड कर देते हैं, और अब मेरा हॉट गन चालू हो गया। अब चालू हो गया तो मैं इस मॉसफेट को यहाँ से ओपन कर लूँगा, क्योंकि जला हुआ है तो आपको आयरन से बहुत अच्छी तरीके से निकलेगी, और इससे तो बहुत कम तरीके से निकलेगी क्योंकि जला हुआ है।
तो यहाँ पे आप कन्वर्टर यूज कर सकते हो, जो बैकलाइट वाली कन्वर्टर आता है उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप मॉस्फेट दूसरा डालोगे भी तो एक से दो दिन चलेगा और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रिंट है वो दोस्तों बंद हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। देखो ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दूसरा मॉस्फेट तो डाल देंगे, अभी हम दूसरा कार्ड, जैसे कि ये कार्ड है मेरे पास देख सकते हो, ये रहा कार्ड, इससे मैं मॉस्फेट निकालूंगा और उसमें डाल दूंगा तो वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको बैकलाइट जलती हुई, ये रही मॉस्फेट, तो दोस्तों ये कहीं से वीडियो कट नहीं किया गया है, मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ और ऐसे ही वीडियो आपको डेली बाय डेली एक ना एक मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी वीडियो आए तो आप तक पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं मॉस्फेट लगा रहा हूँ, यहाँ गलती क्या कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा कि इसमें मैं गलती कर क्या रहा हूँ। इसमें हीटअप, जब ये हीट होती है दोस्तों तो हम हीट ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ये, जिसके वजह से ये ख़राब हो जाती है। अभी देखते हो ये लग चुकी है यहाँ पे और हीट ऑफ और जब इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट था, जो हीट के लिए प्रिंट बनी हुई थी, वही जल चुका है। अब हम इसको शॉर्टिंग चेक कराऊँ आपको, तो देख सकते हो शॉर्टिंग बिल्कुल हट चुकी है। अब हम इसको ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, इसमें चेंजिंग क्या करना है आपको, और भी कुछ चेंज करना होगा जिसकी वजह से आपको हीटअप कम होगा और जल्दी जल्दी मॉस्फेट ये नहीं ख़राब होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है और मैं एक स्क्रू को कस दूं और लाइव के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों स्किप मत करना, मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं। और ये रहा, मैं हॉट गन का प्लग निकाल लेता हूं, अब फिर से इसको मैं लगा लेता हूं, तो देखते हैं अभी कि ऑन होता है या क्या होता है। लग चुका है बैकलाइट, देख सकते हो जल चुकी है। और मैं पिक्चर भी आपको दिखा दूँ, तो नीचे से पिक्चर दिखाना, HDMI का पिक्चर, HDMI लिख के आ रहा था अभी, बैकलाइट देख सकते हो जल चुका है, देख सकते हो पिक्चर पूरी बिल्कुल ओके बन चुकी है। तो इस कंडीशन में आपको सप्लाई को ज़रूर चेक करना है, वोल्टेज को ज़रूर चेक करना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है, तो मैं यहाँ से फिर से ओपन कर देता हूँ, स्क्रू कसा था उसको हटा देता हूँ, ये रहा, और मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखते हो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, इसको ओपन कर देना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं बढ़ाना है, और ये जीरो लगा हुआ, जीरो के बगल में जो रेजिस्टेंस लगा है इसको ओपन करना है आपको, और उसके बाद हीटिंग करना कम कर देगा, जिसकी वजह से आपकी टीवी अच्छी खासी चलेगी दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नया आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए दोस्तों, थैंक यू।